वहाब, एक्साइटमेंट ऑल अराउंड. आपके बहुत सारे साथी जो हैं वो आज मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक्साइटेड? ज्यादा एक्साइटेड हो गए, सारे पेपर उड़ा दिए. नहीं, वेरी मच एक्साइटेड. और यू नो, कल से एक वो फीलिंग सी डेवलप होना शुरू हो गई है. और जब हम यहाँ से निकले तब भी बात कर रहे थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो जीतेगा. वी हैव अ फीलिंग. और ऐसे जैसे आप सेमीफाइनल खेले थे इंडिया के खिलाफ चंदवा मोहाली में, सो नाइट बिफोर से अब भी प्रैक्टिस से आ गए, यू नो, लंच कर लिया या डिनर कर लिया, सो व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट और फीलिंग्स क्या होती हैं एज अ प्लेयर आप लोगों की? वसीम भाई, वो बड़ा मुश्किल था डिस्क्राइब करना, क्योंकि एक दिन पहले जो है वो डिसाइड नहीं हो रहा था. मीडिया पे काफ़ी चल रहा था कि शुएब अख्तर खेलेंगे या मैं खेलूँगा या कौन खेलेगा. सो आई स्टिल रिमेंबर कि वो आखिरी जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था, तो हम जा रहे थे बस में एंड आई वॉज इन बॉलिंग दैट ग्रेट इन द नेट्स एज वेल. तो वकार भाई कोच थे, तो वो मेरे पास आए तो मुझे आकर कहते हैं कि तू, तेरे में वो फड़क नज़र नहीं आ रही. तो मैंने कहा नहीं वकार भाई, वो वैसे ही ना ज़रा, यू नो, थोड़ा सा वो प्रेशर वगैरह. तो कह रहे हैं तुझे किस चीज़ का प्रेशर? मैंने कहा वैसे ही, आई डोंट वांट टू टेल हिम. कहते हैं मेरी एक बात सुनो, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा. सो टुडे यू गो इन द ग्राउंड एंड यू शुड लुक लाइक अ लायन. आई वॉन्ट यू टू मूव अराउंड. ये वो तो सारी रात मुझे उस बात से ना थोड़ी सी बात समझ आ गई कि मोस्ट प्रॉबली आई एम द वन हु इज़ गोना प्ले. सो इन्होंने जब मुझे कहा, तो उस दिन जब मैं रात को आया हूँ, मैं लेटा हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अच्छा, सुबह अगर सहवाग को बॉलिंग करूँगा तो कैसे करूँगा, तेंदुलकर को कैसे करूँगा. सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट एवरीवन. और आप यकीन करें सारी रात इसी में गुजर गई और मेरे ख्याल थोड़ी देर के लिए आँख लगी और एकदम फिर सुबह उठना मैच के लिए. वैसे जागता है तो ज़्यादा बेहतर है. नेक्स्ट मॉर्निंग बेस्ट ऑफ हिज लाइफ. और मैं एंग्जाइटी और मैं विजुलाइज कर रहा था कि मैंने इसको ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा. इवन कि हमारी बात भी हो रही थी युवराज वाली बात पर, तो आई शुड रिमेंबर मिसबा भाई वो उधर थे, तो शायद भाई कहते हैं तू पहला गेंद बाहर निकाल दे, स्लिप रखता हूँ. तो मैं मुझे एक चांस ले लेने थे, आउट हो गया तो हमारा हम काम कर देंगे. सो लाइक इट इज़ वेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि आपको नींद भी नहीं आती, एक बेचैनी सी रहती है. यू नो, यू थिंक अबाउट कि कल क्या होगा, मुझे ये अच्छा करना, मुझे वो अच्छा करना. सो इट इज़ वेरी. सो ऑल द प्लेयर्स हु आर इन द 12 स्पेशली जो अनाउंस किए हैं पाकिस्तान ने, वो इसी स्टेज से गुजरे होंगे एवरी टाइम. वसीम भाई एवरी टाइम, द ओनली डिफरेंस इज कि हम लोग उनसे बायलेटरल सीरीज नहीं खेलते ना, तो दिस इज़ वन ऑफ द मैच जिसमें हमें होता है कि यार बस हम लोग कुछ कर दें या हम लोग कुछ करके दिखा दें.